السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. इस जूम प्रोग्राम और लाइव प्रोग्राम में मौजूद हमारे सामईन कराम, मुशाहिदीन कराम, इस्लामी माओं और बहनों, अजीज़ बच्चों और बच्चियों, आज के इस दर्स का उन्वान है जहन्नम की वसात और कुशादगी। अल्लाह ताला हम सब को हर उस अमल से महफूज रखे जिस अमल का नतीजा और अंजाम दोज़ख है, और अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दर्स का उन्वान है जहन्नम की वसअत और कुशादगी। अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के प्यारे हबीब अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह तौर पर हमें और आपको जहन्नम से डराने की खातिर और दोज़ख के बारे में पूरी मालूमात देने के खातिर जहन्नम की पूरी कैफियत बतला दी है, और मुख्तलिफ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सही हदीसों के अंदर जहन्नम का खाका खींच दिया कि ये जहन्नम कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है और कितनी चौड़ी है और कितनी कुशादा है। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान मुबारक जहन्नम की कुशादगी और वसअत के बारे में वही इलाही है। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया है। इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं। पहली बात तो ये है कि जहन्नम को अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया है, जो बहुत ही ख़तरनाक और खूंखार है, और वो अल्लाह के हुक्म के ताबे है। दूसरी बात, ताकि जहन्नम के बारे में सुनने वाले, पढ़ने वाले, जानने वाले अपने आप को उन सारे अकीदों और अमलों और अखलाक से बचाएं जिसका अंजाम और नतीजा और बदला दोज़ख और जहन्नम है। तीसरी बात कि जहन्नम का खौफ खाएं, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और रब्बे कायनात ने जहन्नम से बचने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कु अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो आयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम ने हमें और आपको सराहत और वदाहत के साथ खुल्लम खुल्ला जहन्नम से बचने का हुक्म देते हुए फरमाए इत्तकुन्नारा वलौ बिशिक्क तमरा, जहन्नम से बचो चाहे खजूर का मामूली हिस्सा ही अल्लाह की राह में खर्च करो। और आपको बतलाया जा चुका है कि जहन्नम का तसव्वुर करते हुए, जहन्नम की याद आते हुए सलफ़े सालिहीन इतना रोते थे कि हिचकियां बंध जाया करती थी।
तो जहन्नम के बारे में मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने हमें समझा दिया, बतला दिया है, ताकि कल कयामत के दिन या दुनिया में रहते हुए इंसान का छोटा मुख्तसर दिमाग ये ना सोच पाए कि आदम से लेकर के इबलीस से लेकर के कितने इंसान, कितने जिन्नात, नर और नारी, मर्द और औरतें पैदा हुए, इतनी बड़ी जहन्नम कहाँ होगी? इंसान के ज़हनो दिमाग में ये बात आ सकती है। तो अल्लाह ताला ने जन्नत से भी वादा किया है कि देख जन्नत, तुझे भरना मेरे ऊपर है, मैं तुझे भरूंगा। और जहन्नम से भी अल्लाह ताला ने वादा किया है कि ऐ जहन्नम, मैं तुझे भी भर दूंगा, तेरी पूरी खुराक तेरे हवाले कर दूंगा। अब मेरे भाई और साथियों, पिछले दर्स में जहन्नम के दर्जे मैंने बतलाया था, और जहन्नम के अजाब का तसव्वुर करने के लिए, इस पर ईमान लाने के लिए, जहन्नमी कामों से बचने के लिए आज का दर्स मैंने चुना है जहन्नम की कुशादगी, यानी जहन्नम कितनी बड़ी है, कितनी लंबी, कितनी चौड़ी और कितनी गहरी है, ताकि हमारे ज़हनो दिमाग में कहीं ये ख्याल ना आए कि इतने आदमी है, कैसे कौन कौन जहन्नम में जाएगा। हाँ, जहन्नम को हल्का नहीं समझना चाहिए, जहन्नम को मामूली दर्जे में नहीं लेना चाहिए। और अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा बरहक है कि गुनहगारों को उनके गुनाह के हिसाब से मैं जहन्नम में डालूंगा, चाहूंगा तो मैं जहन्नम में डालूंगा, चाहूंगा तो अगर तौहीद वाले हैं तो जहन्नम में डाल के निकालूंगा या हमेशा माफ कर दूंगा, ये अल्लाह के मर्जी पर है। लेकिन हम अपने बारे में तो नहीं जानते हैं, हमें कहीं का सफर करना है, हम कहीं का सफर करें, अब बिना टिकट के सफर करें, टीटी के रहमो करम पर बेजा भरोसा करके, टीटी जो टिकट चेक करता है उसके शराफत पर, उसके रहम पर, उसकी मेहरबानी पर, उसके करम पर, उसकी इनायत पर बेजा भरोसा करके बिना टिकट हम निकले कि टीटी से रोगा लेंगे, टीटी हमें छोड़ देगा, इस टाइम के इस ट्रेन का टीटी बड़ा नरम दिल है, ये है वो है, ये तो बेवकूफ़ी है ना, बेवकूफ़ी है ना। टिकट लेके सफर करना है, टिकट जेब में रहे ताकि कहीं कोई नुकसान हमें सफर में ना उठाना पड़े, जुर्माना ना देना पड़े। हर गुनाह का जुर्माना है, अल्लाह हमें गुनाहों से बचने वाला बनाए, आमीन। तो आइए मुख्तलिफ हदीसों की रोशनी में हम देखें कि जहन्नम कितनी वसीय है, कितनी कुशादा, कितनी गहरी और कितनी लंबी है। अल्लाह ताला हमें जहन्नम से बचाए, जहन्नमी कामों से बचाए। जहन्नम बहुत गहरी है, जहन्नम दोजख बहुत ही गहरी है। जहन्नम की गहराई का अंदाजा आप करें कि अगर आप ऊपर से कोई वजनी पत्थर डालें और वो बराबर, कोई चीज जाहिर बात है ऊपर से नीचे डालेंगे तो बराबर मुसलसल गिरती चली जाएगी, और 70 साल तक जाकर के जमीन के तह तक पहुंचे, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी ऊंचाई से आपने पत्थर डाला और कितनी गहराई है इस मसाफत की। सुनिए जहन्नम की गहराई, अल्लाह महफूज रखे मेरी माँ और बहनों, सामईन किराम, जहन्नम से डरो, जहन्नम से बचने की दुआएं कोशिशें और उन अमाल को अपनाओ जिस पर अल्लाह, जिससे अल्लाह राजी होके जहन्नम से अपने बंदों और बंदियों को निजात देगा। अल्लाह के हजरते अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला, ये जहन्नम की गहराई है। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया है, और ये हदीस सही मुस्लिम शरीफ की है। कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम के आसपास बैठे हुए थे कि अचानक एक धमाके की आवाज है, धम
उनकी आवाज आई, बड़े तेज धमाके की आवाज आई। जब धमाके की आवाज आई तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से दरियाफ्त किया, पूछा क्या तुम लोग जानते हो कि आवाज किस चीज की है? सहाबी कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हादा हजरुन रुमिया बिही फिन्नारी मुंदो सबईना खरीफा, ये एक पत्थर है जो 70 साल पहले डाला गया था, फहुआ यहवी फिन्नारी, और 70 साल पहले डाला गया था, 70 साल तक मुसलसल वो जहन्नम के अंदर गिरता गया, अल हत्ता इंतहा इला क़अरिहा, यहां तक कि आज जहन्नम की पेंदी तक पहुंचा है। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम और दोजख से बचाए मां रब्बुल आलमीन। 70 साल, 70 दिन नहीं, 70 महीना नहीं, 70 मिनट और घंटा नहीं, 70 साल 70 ईयर्स पहले पत्थर डाला गया और वो मुसलसल गिरता रहा, कहीं रुका नहीं, कहीं अटका नहीं, 70 साल के बाद जहन्नम की पेंदी तक पहुंचा। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि जहन्नम कितनी अजीम है, कितनी गहरी है और कितनी खतरनाक है। अल्लाह हम सबको बचाए। तो ये जहन्नम की कुशादगी हुई, 70 साल तक पत्थर मुसलसल गिरता रहा और 70 साल के बाद जहन्नम की पेंदी में पहुंचा। जहन्नम की उसात और कुशादगी या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाने के लिए हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ही से मरवी एक दूसरी हदीस जो सही मुस्लिम के अंदर है, हम सुने। जहन्नम की गहराई जमीन और आसमान के दरमियानी फासले से कहीं ज्यादा है। जमीन और आसमान के बीच जितना फासला है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की गहराई को बतलाया है ऐसी मिसाल दे करके जो इंसान रातों दिन देखता और महसूस करता है, मुशाहदा करता है। जमीन से लेकर के आप जिस जमीन पर बैठे हुए हैं, है ना, जमीन, वहां से लेकर के आसमान के बीच कितना फासला है, उतना फासला जहन्नम के अंदर है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक बंदा है या कुछ लोग हैं, जब जबान से बोलते तो कुछ परवाह नहीं करते कि हमारी जबान से निकलने वाली बात जन्नत तक ले जाने वाली है कि जहन्नम तक ले जाने वाली है। यहां तक कि कुछ लोग ऐसी बात बोल देते हैं जिस बात के बोलने की वजह से जहन्नम में उतनी गहराई में गिरते चले जाते हैं जितनी लंबी मसाफत पूरब और पश्चिम के दरमियान है। जबान से ऐसी बातें बोलते रहते हैं, उसकी परवाह नहीं करते, उसकी फिक्र नहीं करते कि ये जहन्नम में ले जाने वाली बात है या जन्नत में ले जाने वाली बात है। यहां तक कि उस बात की वजह से वो जहन्नम में गिरते चले जाते हैं इतने फासले तक कि जितनी दूरी पूरब और पश्चिम के अंदर है, इतना गहरा जहन्नम के अंदर चले जाते हैं। अब आप अंदाजा कीजिए, अल्लाह महफूज रखे, कि जहन्नम कितनी गहरी है। जहन्नम की उसात और कुशादगी या जहन्नम के बड़े होने का इल्म अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक रवायत से कीजिए। जहन्नम 4 दीवारों से घिरी हुई है। जहन्नम के एक अहाते की 2 दीवारों के दरमियान 40 साल की मसाफत है। जहन्नम 4 दीवारों से घिरी हुई है, 1, 2, 3। इस दीवार और इस दीवार के बीच कितनी मसाफत लंबाई है, इतनी कि एक आदमी 40 साल तक आम रफ्तार से चलता रहे,
40 साल तक हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम से बयान फरमाया। फरमाते हैं हदीस के अल्फाज इस तरह हैं, लसुरादिकुन्नारी अरबातु जुदरिन बैन कुल जिदारिन मिथलु अरबईना सना। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम यानी दोजख का अहाता घेराव चार दीवारों पर है, यानी जहन्नम चार दीवारों से घिरी हुई है, हर दीवार के दरमियान 40 साल की दूरी के मसाफत का फासला है। हर जहन्नम कितने दीवारों से घिरी हुई है? चार दीवारों से, एक दीवार से दूसरी दीवार तक मसाफत फासला कितना है? 40 साल। ये मुसनद अबू याला की रिवायत है और मुहद्दिसीन ने इसको सही करार दिया। अब इससे हम और आप जहन्नम की उसात और कुशादगी या बड़े होने का अंदाजा करें। जहन्नम की उसात और कुशादगी का अंदाजा आप इससे लगाएं कि आप जानते हैं कि जहन्नम में जहन्नमी डाल दिए जाएंगे, चाहे वो काफिर हों और चाहे वो मुशरिक हों, चाहे वो अकीदे में निफाक इख्तियार करने वाले हों, या चाहे जहन्नम में ले जाने वाले काम करने वाले हों। जहन्नम, जब जहन्नम के अंदर जहन्नमी को डाल दिया जाएगा, खास तौर पे काफिर, तो जानते हैं एक काफिर के कान और कंधे के दरमियान कितना फासला होगा? कान की ये लुरकी और ये कंधा, ये कान है ना, देखिए ये कान है ना, ये और ये कंधा, जहन्नमी के कान और कंधे के दरमियान 70 साल के बराबर मसाफत होगी, 70 साल का फासला होगा। इससे पता कि जहन्नमी बहुत बड़े बड़े होंगे, अल्लाह उनके कद को बढ़ा देगा, इसके बावजूद जहन्नम में जगह खाली रहेगी। आप काफिरों ही को ले लें, दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक कितने काफी मर्द और औरत हैं, कितने काफी जिन्नात हैं और कितने जहन्नम के काम करने वाले हैं, गिन नहीं पाएंगे, गिन नहीं पाएंगे। अब जहन्नम के अंदर जब एक जहन्नमी डाला जाएगा तो उसके कान की लुरकी, ये लुरकी जिसको बोलते हैं गोश जो मुलायम लटकता है, इससे लेकर के मोंढे शोल्डर कंधे तक की मसाफत लंबाई कितनी होगी? 70 साल, 70 इयर्स के बराबर। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अअज़ानल्लाहु मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाह तो हमें अपनी रहमत से जहन्नम से बचा ले। कितनी बड़ी होगी जहन्नम, कितनी अजीम होगी जहन्नम। हस्ते मुजाहिद रहमतुल्ला अलैह ने हजरते कहते हैं कि हमसे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला उन्होंने पूछा, हस्ते मुजाहिद रहमतुल्ला अलैह कहते हैं कि मुझसे हजरते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने पूछा, अतदरी मा सिअतु जहन्नम, ऐ मुजाहिद क्या तुम जानते हो कि जहन्नम की कुशादगी क्या है, जहन्नम की उसात क्या है? तो हजरते मुजाहिद कहते हैं कि मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो हजरते अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हाँ सही बात है, तुम्हें नहीं मालूम, वल्लाही मा तदरी, अल्लाह के कसम तुम सोच नहीं सकते हो कि जहन्नम कितनी कुशादा है, तुम जानते नहीं हो, जान नहीं सकते हो। इन्ना बैना सहमति उदिन अहदिहिम बैना आतिकिहिम मसीरता सबईना खरीफा, जहन्नमी जब जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा तो एक जहन्नमी के कान और कंधे के दरमियान की दूरी 70 साल के बराबर होगी। 70 साल,
आप आहसा में या जहां भी बैठ करके सुन रहे हैं आज का दर्श, यहां से आज आप निकले और 70 साल तक मुसलसल कंटिन्यू लगातार चलते रहे, कितना लंबा फासला आप तय कर लेंगे? तो अल्लाह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि एक जहन्नमी जो भी जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, जिसके हक में अल्लाह ताला ने उसके गुनाह के हिसाब से सजा रखी है, इतना बड़ा हो जाएगा कि उसके कान और कंधे के दरमियान फासला मसाफत उतनी हो जाएगी जितना कि एक आदमी 70 साल तक चलता रहेगा। फीहा औदियतुल फीहा कैही व दमी, और इस जहन्नम के अंदर कै पीप खून और जहन्नमियों के धोवन, आदमी जब जलता है तो क्या निकलता है? आबला निकलता है, उससे पीप निकलता है, पस निकलता है, बदबूदार खून निकलता है, है बात की नहीं है, है बात की नहीं है। और साथ ही साथ जहन्नमी के जलने की बदबू भी होती है, और अगर इंसानों के जलने की बदबू किसी इंसान ने ना महसूस किया हो तो चले जाए उन घाटों पर जहां गैर मुस्लिम ले जा करके अपने माता पिता माँ बाप की लाशों को जलाते हैं। यकीनन बड़ी घिनौनी नाकाबले बर्दाश्त बदबू आदमी के लाश को जब जलाया जाता है, जब निकलता है। सन 1987 और 88 के अंदर मैं जामिया सल्फिया बनारस, जो अहले हदीसों का पूरे हिंदुस्तान का एक बहुत ही अजीम तरीन पुराना और मरकजी इदारा है, वहां मैं पढ़ता था। तो करीम में गंगा है, तो 4 बजे चहलकदमी के लिए, खास तौर पे जब सैलाब वगैरह आता था तो हम लोग गंगा के घाट पे जाते थे, और गंगा में मुर्दों को फेंकना या वहां ले जाकर के बरघट पे ले जाकर के जलाना, ये तो हिंदुओं का एक दीन है, एक धर्म है, अल्लाह महफूज रखे। ऐसे घाघरा पे मैंने देखा, ऐसे बहुत सारी जगहों पे मैंने, जब जलाते थे और अगर हवा मान लिया पूरब की जानिब रख के जलाए और हवा पूरब से पश्चिम आ रही है तो आप घाट पर बैठ नहीं पाते। और जब कई जहन्नमी जहन्नम के 16 जन चकना चूर कर देने वाली आग के अंदर जलाए जाएंगे तो वो तो मरेंगे है नहीं, उनके जलने से उनके बदनों से जिस्मों से खून निकलेगा, पीप निकलेगा, जला हुआ खून निकलेगा, बदबूदार पीप निकलेगा। तो कहते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कि जहन्नम के अंदर पीप, जहन्नमियों के जलने की पीप, पस और खून की वादियां होंगी। हज़रत मुजाहिद ने पूछा कि वादियां होंगी कि नहरें होंगी? नहरें ये बनिस्बत वादियों के पतली होती हैं, कम चौड़ी होती हैं। तो हस्ते मुजाहिद से हस्ते अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा नहीं, छोटी छोटी पतली पतली नहरें नहीं होंगी, बल्कि वादियां होंगी जो नहरों से कहीं ज्यादा कुशादा, कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा लंबी होती है। ये इमाम अबू नुएम ने अपनी किताब हिलिया के अंदर जिक्र किया है और मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को सही करार दिया है। ये इस रिवायत से, अबू नुएम की इस रिवायत से ये पता चलता कि जहन्नम बहुत ही वसी है और बहुत ही कुशादा होगी। जब एक जहन्नमी के कान और कंधे के दरमियान की दूरी 70 साल की दूरी के बराबर, फासले के बराबर हो, तो आप लोग अंदाजा, हम लोग अंदाजा कर सकते हैं उसमें पलेस आग होगी, चकनाचूर कर देने वाली, झुलसा देने वाली, खा देने वाली, सांप होंगे, बिच्छू होंगे। मेरे भाइयों साथियों, जहन्नम के अंदर जो अल्लाह ताला ने अपने जहन्नमी बंदों को मेहरबान होने के बावजूद जो सजा देने के लिए बिच्छू पाल रखा है, अगर एक सांप भी, एक अजदा भी दुनिया की तरफ फू कर दे तो ता सुबह कियामत इस दुनिया पर कहीं भी हरियाली नहीं उगेगी, इतने वो जहरीले और खतरनाक होंगे, इतने जहरीले होंगे कि उनके सरों पर, उनके बदन में मौजूद जहर के असर से बाल ही नहीं होंगे, बाल ही नहीं होंगे, और दो मुंह वाले होंगे।
दो मुंह निकालेंगे, दो जबान वाले होंगे वगैरह वगैरह। तो आप इससे जहन्नम की गहराई और उसकी वसअत का अंदाजा लगा सकते हैं। इसको सुनिए कान को लज्जत देने के लिए नहीं, कहिए ये बतलाने के लिए नहीं तो रहमान सईदी कि मैं दर्श दे रहा हूं जहन्नम के वसअत पर, नहीं इबरत हासिल करने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए, अपने गुनाहों पर रब से रोने के लिए, तौबा करने के लिए और गुनाहों से बचने के लिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया है कि हमने जहन्नम को अपने बागी बंदों के लिए बनाया है, नाफरमान बंदों के लिए बनाया है, और अल्लाह ताला की गुस्ताखी करने वालों के बंदों के, जो दीन इस्लाम को न मानेंगे उनके लिए बनाया है, जो दीन इस्लाम की तालीम पर अमल नहीं करेंगे उनके लिए बनाया, नाफरमान बंदों के लिए बनाया है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी नाफरमानी से बचाए रखे। आप जानते हैं जहन्नम की वसअत और गहराई और कुशादगी का अंदाजा करो कि हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलता है कि 1000 आदमियों में से 999 1000 आदमियों में से 999 जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे। अब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के इबलीस से लेकर के जरा गिन डालिए कि अब तक कितने पैदा हुए हैं और आगे कितने पैदा होंगे अल्लाह ही जाने। 1000 में से, 1000 की तादाद में से कितने जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे अल्लाह हम सबको बचाए? 999 डाले जाएंगे, एक जन्नत के अंदर डाला जाएगा। अल्लाह हम सबको उन्हें एक में से बना ले जिनसे तू राजी होकर के उनके लिए जहन्नम को हराम कर देगा और जन्नत को वाजिब कर देगा। मौला तू ही हमारी फरियाद को सुनने वाला। 1000 में से 999 जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, इसके बावजूद जहन्नम में जगह बाकी रह जाएगी। अस्तग़फिरुल्लाह, आदना अल्लाह मिनन नार, अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से बचाए। इसके 999 एक जन्नत में गया, 1000 में से 999 जहन्नम दोज़ख के अंदर ठूस दिया गया, इसके बावजूद जहन्नम इतनी कुशादा होगी, इतनी वसी होगी कि फिर भी जहन्नम का पेट नहीं भरेगा, जहन्नम खाली रहेगी। यहां तक कि अल्लाह ताला ने इसके बारे में फरमाया सूरह काफ की आयत नंबर 30, यौम नकूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति वतकूलु हल मिन मज़ीद। अल्लाह ताला कहता है जिस दिन हम जहन्नम से पूछेंगे, सवाल करेंगे, हालांकि अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह कहेगा जहन्नम से, यौम नकूलु लिजहन्नम, जिस दिन हम जहन्नम से कहेंगे हल इम्तलअति, क्या तू आसूदा हो गई, क्या तेरी भूख खत्म हो गई, क्या तू भर गई, लबालब हो गई, तो जहन्नम क्या कहेगी, यौम नकूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति, क्या तू भर गई, तो जहन्नम क्या करेगी, वतकूलु हल मिन मज़ीद, अल्लाह कुछ और है, अल्लाह कुछ और है। सामईन कराम, मुशाहिदीन कराम, मेरी प्यारी माँ और बहनों और बच्चियों, जहन्नम कितनी बड़ी है, कितनी वसी है, कितनी कुशादा है, कितनी गहरी है कि 1000 में से 999 को जहन्नम के अंदर रब्बे कायनात अदल व इंसाफ के साथ डाल देगा, एक को जन्नत में डालेगा, इसके बावजूद जहन्नम भूखी होगी, प्यासी होगी, उसके अंदर जगह बाकी रहेगी और जहन्नम के हल में मज़ीद, क्या और है, और है, और है, और है। हदीस रसूल अकरम सल्लम के अंदर आता है, सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तज़ालु जहन्नम तकूलु हल मिन मज़ीद, जहन्नम पुकार लगाती रहेगी, जहन्नम बराबर कंटिन्यू लगातार पुकार लगाती रहेगी अल्लाह ताला के सामने, फरियाद करते रहेगी अल्लाह ताला के सामने, भीख मांगती रहेगी अल्लाह ताला के सामने, हल मिन मज़ीद, ऐ अल्लाह जितने जहन्नमियों को तूने मेरे पेट में डाल दिया, मेरा लुकमा बना दिया, अभी मेरा पेट खाली है, मैं आसूदा नहीं हुई हूं, मैं भरी नहीं हूं, क्या और है,
हमेशा जहन्नम, यही कहते रहेंगे। जितना भी अल्लाह ताला ठोसता जाएगा जहन्नम में जगह बाकी रहेगी। तब अल्लाह ताला क्या कहेगा, हत्ता यदा फीहा रब्बुल इज्जति तबारक व तआला कदम, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कदम को जहन्नम पे डालेगा जैसा उसके सायाने शान है। अब कोई ये ना सोचे अल्लाह कदम डालेगा तो जल जाएगा, पूरा डालेगा या थोड़ा डालेगा या खाली थोड़ा इशारा करेगा, जैसा अल्लाह ताला के लायक है, अल्लाह ताला को जैसा जेब देता है, अल्लाह ताला अपने कदम को जहन्नम में रखेगा, फौरन जहन्नम करेगी, कत्तो कत्तो बस 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 बस, और जहन्नम सिमट जाएगी। जहन्नम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ सिमट जाएगा, गोया जहन्नम अब आसो, अब कहेगी नहीं 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 अल्लाह नहीं, बस भर गई भर गई, और जहन्नम का कुछ हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ मिलकर के सिमट जाएगा। इस हदीस को सही मुस्लिम में आप पाएंगे। हस्ते अनस बिन मालिक ने बयान किया, आप अंदाजा कीजिए मेरे भाइयों जहन्नम कितनी बड़ी है, कितनी अजीम है, कितनी कुशादा है और कितनी वसी है। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से बचाए। जहन्नम कितनी बड़ी, कितनी वसी, कितनी कुशादा, कितनी खतर बड़ी है, इसका अंदाजा करने के लिए और जानने के लिए एक रिवायत और सुन लीजिए, और उस रिवायत के बयान करने वाले सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है, और ये रिवायत भी सही मुस्लिम की है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि قال رسول الله صلى الله عليه अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूत जहन्नम यौम इदिन लहा 70 अल्फ ज़िमाम मा कुल्लि ज़िमामिन 70 अल्फ मलक यजुरूनहा। जहन्नम मेरी माँ और बहनों और भाइयों और साथियों इतनी बड़ी होगी, इतनी वसी होगी, इतनी कुशादा होगी कि मैदाने हशर में लाने के लिए 4,90,00,000,000 फरिश्ते जहन्नम को खींच कर लाएंगे। जहन्नम को खींच कर मैदाने महशर में, मैदाने हशर में लाने के लिए कितने फरिश्ते होंगे, 4,90,00,000,000, 4,90,00,000,000। अब आप अंदाजा कीजिए कि जिस जहन्नम को मैदाने हशर में खींच कर लाने के लिए 4,90,00,000,000 फरिश्ते, वो भी इंसानी मखलूक नहीं, जो कमजोर है, जिनकी ताकत लिमिटेड और मुहद्दद है, फरिश्ते ताकतवर फरिश्ते, अल्लाह ताला के खुसूसी पैदा किए गए फरिश्ते और ऐसी ताकत और होशियारी के मालिक जिन्हें अल्लाह ताला ने जहन्नम को खींच कर लाने के लिए पैदा किया, अब कितनी बड़ी होगी जरा आप अंदाजा कीजिए। 4,90,00,000,000 फरिश्ते खींच कर करके मैदान हसर में लाएंगे। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया कि जिस दिन ये जहन्नम खींच कर लाई जाएगी और जहन्नम में 70,000 रस्सियां लगी होंगी, उसके चारों तरफ कितनी रस्सियां, कितनी नकील है, कितनी डोरियां मजबूत बंधी हुई होंगी, 70,000 और हर डोरी को, हर नकील को, हर रस्सी को 70,000 फरिश्ते पकड़ करके खींच रहे हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि जहन्नम कितनी वसी और कितनी कुशादा है, कितने फरिश्ते पकड़े होंगे जहन्नम को खींच कर लाने के लिए, 4,90,00,000,000। और ये 4,90,00,000,000 फरिश्ते कितनी रस्सियां पकड़े होंगे, 70,000 रस्सियां चारों तरफ जहन्नम के बंधी हुई होगी, हर रस्सी में कितने फरिश्ते होंगे, 70,000। अब हम और आप जहन्नम की उसात का, जहन्नम के बड़प्पन का और जहन्नम की कुशादगी का, जहन्नम की गहराई का हम और आप अंदाजा करें। जहन्नम के दर्जे को हमने पहन लिया पिछले जुमा के इतवार के 10 में मैंने, आज ये
अब मेरे भाइयों और साथियों और मेरी बहनों और बहनों, इन सारी चीजों का इल्म हासिल करने या सुनने या जानने के बाद हम किस बलबूते पर, किस बेजा उम्मीद पर हम जहन्नम के काम करें, हम जहन्नम के काम करें, शैतान के बहलावे में रहें, तो ये है जहन्नम की कुशादगी और गहराई। और इंशा अल्लाह अजीज, अगर आप लोग, हम लोग लोगों को अल्लाह ताला सेहत और आफियत के साथ रखा, तौफीक दी, तो अगले इतवार के प्रोग्राम में जहन्नम के अजाब की चंद हौलनाकियां बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सब की इस दर्स के अंदर हाजिरी कबूल फरमा ले और इससे हमें इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफीक दे। जो हमने सुना है इस पर गौर करने और जहन्नम से बचाने वाले आमाल करने की तौफीक दे और इसको दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए। हम ग्रुपों में डाल दे तो उसको दूसरों तक पहुंचा करके दीन के मुबल्लिग़ बनाए। और आखिरी गुजारिश मेरी माओ और बहनों, ख़ास तौर पर ऐलान भेजता हूं मैं ग्रुपों के अंदर, और ऐलान के हिसाब से आप लोग फौरन जूम पे आ जाया करें या लाइव पे आ जाया करें ताकि वक्त पर दस शुरू हो सके और दस काम को कामयाब बनाने की कोशिश करें लिल्ला फिल्ला इखलास के साथ। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और हम सबको हिदायत दे, हम सबको तकवा दे, हम सबको पाक दामनी दे, और अल्लाह ताला हम सबको अजाब जहन्नम से बचाए, और अल्लाह ताला हम सबको जन्नत दे करके कामयाबी से मालामाल फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा व बारकल्लाहु फीकुम।